अब तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे जैसा चश्मिश बन गया, तो अब तुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं। अगर वो चिढ़ाएगा तो तुझे और मुझे दोनों को चिढ़ाएगा। क्या हुआ ब्रो, तू इतनी टेंशन में क्यों है? ब्रो टेंशन की बात है, इसीलिए मैं टेंशन में हूँ। क्या हुआ? एक्चुअली ब्रो, जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ ना, तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है, मुझे धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, मुझे डर है कि मुझे चश्मा ना लग जाए। अगर मुझे चश्मा लग गया ना, तो सब मुझे विद्युत की जगह चश्मिश बुलाना शुरू कर देंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे चश्मिश बुलाए। मैं नहीं बनना चाहता चश्मिश, मुझे नहीं पहनना चश्मा। टेंशन मत ले ब्रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ब्रो मैं तेरे सपोर्ट में चश्मा बनवा के लाया हूँ। ब्रो तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू, बट मुझे चश्मा नहीं लगा है। क्या? यस ब्रो, जब तू आई टेस्ट के लिए गया था, तब मेरे पापा मुझे बोरीवली के सबसे महंगे आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए थे, और जब मेरी टेस्टिंग हुई तो मुझे पता चला कि मेरी आईज तो बिल्कुल ठीक है, पर डॉक्टर ने बोला मुझे धूप से बचना है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ये 10,000 के महंगे गॉगल्स दिलाए। क्यों लग रहा हूँ ना हीरो? तेरे चक्कर में मैं भद्दा सा चश्मा पहन के बैठा हूँ, और तू गॉगल्स पहन के कह रहा है कि लग रहा हूँ ना मैं हीरो। तू दोस्त नहीं, तू दोस्ती के नाम पे ना ब्लैक स्पॉट है, तू सेल्फिश है, तू चालाक है। अरे एक मिनट ब्रो, एक मिनट मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? एक बार मुझे अपना चश्मा दे। क्यों? अरे दे ना, ये तू पहन, ये मैं पहन। पहन? वाओ ब्रो, तुझमें हीरो लग रहे, हीरो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझ पे तो ये चश्मा सूट नहीं करता है, तो मेरा चश्मा तू रख और तेरा चश्मा मैं रखता हूँ, ओके? तू दोस्ती के नाम पे ना एक ब्लैक स्पॉट नहीं, एक गोल्ड स्पॉट है। तू सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस है, तू भोला है। आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू ब्रो। एक बात बोलू ब्रो? तू एक नहीं तू दो बोल। हमारे एग्जाम्स में जितने दिन बचे हैं ना, उतने दिनों में हम कस के पढ़ाई करेंगे। क्यों? बिकॉज गुडनेस स्प्रेड्स। देख तुझे सपोर्ट करने के लिए मैंने वो चश्मा बनाया, और तूने मेरी गुडनेस देख के ये स्टाइलिश गॉगल्स मुझे दे दिए। अब मेरा एक और अच्छा काम करने का मन। अब एग्जाम टाइम में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके पेरेंट्स को खुश करने के अलावा और क्या अच्छा काम हो सकता है? वाओ ब्रो, हम जम के पढ़ाई करेंगे, हम जम के पढ़ाई करेंगे, और पूरी साल का सिलेबस बस 5 दिन में खत्म कर देंगे। यस ब्रो, एग्जाम का दिन आई है, पिछले 5 दिन में हमने जम के पढ़ाई की, पर फिर भी पूरे साल का सिलेबस कवर अप नहीं हुआ। ब्रो हमारे पेरेंट्स हमसे फर्स्ट 5 में आने की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बट ब्रो हमारे तो फर्स्ट 15 में भी आने के चांसेस नहीं है। ब्रो डांट पड़ेगी जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं पड़ेगी डांट। हाँ लास्ट 5 में आओगी तो भी डांट नहीं पड़ेगी। क्या क्या? हाँ, क्योंकि पिछले 5 दिनों में तुम दोनों ने बहुत मेहनत की, इनफैक्ट हमने भी बहुत मेहनत की ज्योति भाभी, हाँ वेट लूज करने की। और इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि कई बार आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आता है। तुम फर्स्ट 5 में आओ बच्चों या लास्ट 5 में हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन पिछले 5 दिनों में तुमने जो मेहनत की है वो मायने रखता है। हाँ ये मेहनत अगर तुम लोग पूरा साल करते तो फिर बात और हालात कुछ और होते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर, बट वी आर हैप्पी फॉर योर एफर्ट्स। मतलब अगर रिजल्ट्स खराब आए तो भी डांट नहीं पड़ेगी? भगवान के लिए बस पास हो जाना। हाँ नहीं पड़ेगी डांट। पक्का? पक्का। अब क्या लिख के दूं? हाँ लिख के दो। चिंगाल आगे कर, मैं हाथ से लिख। नहीं 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 नहीं। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो आदमी, चलो आदमी। वंदना भाभी, वंदना भाभी। बैठिए। क्या हुआ? मैंने लड़की पसंद कर ली है, बस आपकी हाँ चाहिए। लड़की पसंद कर ली? पर
विद्युत तो अभी बहुत छोटा है, और विद्युत की शादी के लिए आपको मेरे यहाँ क्यों चाहिए? क्या बोल क्या रही हैं आप ज्योति भाभी? नहीं 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 वंदना भाभी, विद्युत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्या आप भी? तो मैं तो हर्षद के अमेरिका वाले कजिन निक की बात कर रही हूँ। निक मतलब निकेश अग्रवाल, वो आज शाम को हमारे यहाँ ना डिनर पे आ रहे हैं, तो उनके लिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी हर्षद ने मेरे कंधों पर दी है। तो मैंने जो लड़की उसके लिए पसंद की है ना, उस लड़की को आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो, इसीलिए आपके यहाँ की जरूरत है। मैं जाने कौन, किसकी बात कर रही है? कियारा। कियारा राज की बॉस कियारा? हाँ, राजेश भैया की बॉस कियारा। एक मिनट वंदना भाभी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। वो जो निक है ना, वो रहता अमेरिका में है, लेकिन उसे शादी यहाँ इंडिया में करनी है, और मैं उससे ऐसे एक दो बारी मिली हूँ हमारे फैमिली के वेल्डिंग फंक्शन में, लेकिन वेडिंग। हाँ वही, सेम टू सेम। लेकिन हर्षद है ना, वो बता रहे थे कि निक को ना जल्दी से कोई लड़की पसंद नहीं आती, और कितने रिश्तों को मना कर चुका है वो। तो जब उसके रिश्ते की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई ना, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि निक को कैसी लड़की पसंद आ सकती है। तब मुझे कियारा का ख्याल आया, और फिर मैंने क्या किया पता है, कियारा की फोटो ली और निक को दिखा दी। पता है कियारा की फोटो देखते ही निक ने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि वो इस लड़की से मिलना चाहता है। और ये सुनते ही ना मेरे पूरे परिवार में मेरी जो नाक ऊंची हुई है ना, क्या पूछिए मत। ये तो बहुत अच्छी बात है ज्योति भाभी, लेकिन कियारा, कियारा से राजेश भैया कर लेंगे ना कियारा से बात, पर हमें क्या पता कियारा भी शायद शादी के लिए लड़का ही ढूंढ रही हो, मतलब उसकी शादी की तो उम्र हो ही गई है ना, वैसे शादी की उम्र से थोड़ी ज्यादा ही उम्र हो गई है, तो अगर बात तय होगी तो चट मंगनी पड़ भी, और इससे ना मेरे पूरे परिवार की मैं झट से फेवरेट बन जाऊंगी। तो आप राजेश भैया से बात करेंगी ना कि वो कियारा से बात करें निक के बारे में? बिल्कुल कह दूंगी। पक्का? हाँ पक्का कहूंगी। मेरी कसम खा के कहिए। आपकी कसम कर अभी, अभी अभी फोन कीजिए ना। करती हूँ ना, करती हूँ करती हूँ। प्लीज अभी फोन कीजिए ना, जल्दी बात कीजिए। ज्योति भाभी पक्का कर लूंगी बात। प्रॉमिस। प्रॉमिस, आपकी कसम, प्रॉमिस। ओके, आप अपना काम कीजिए। जब देखो दक्कू अंकल मेंटेनेंस के नाम पे लिफ्ट बंद कर देते हैं, जब वो लिफ्ट में होंगे ना तो लिफ्ट का मेन स्विच ऑफ करके मेंटेनेंस साइन बोर्ड लगा दूंगा, और जब वो लिफ्ट में खुद बंद होंगे ना तो सब मेंटेन होगा सब। अब जा रहे ना दक्कू अंकल के पास, चल। ब्रो दक्कू अंकल, दक्कू अंकल ये लिफ्ट क्यों बंद की है? मेंटेनेंस का काम चालू है। आप क्या झाड़ू कर रहे हो? यस, क्योंकि काम वाली छुट्टी पे है। तो आंटी? वो शूट आउट के लिए गई है, आई मीन शूट के लिए आउट गई है। अब प्रश्नों की बौछार करके मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो, चलो जाओ यहाँ से। अंकल मैंने कहा ना, जाओ, गो 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 गो। ब्रो दक्कू अंकल तो आंटी बन गए, मतलब? यस ब्रो, ये काम मम्मी लोगों के होते ना। मम्मी लोगों के होते इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे तो वीकेंड्स पे मेरे डैडी कुकिंग करते हैं। एग्जैक्टली, वीकेंड्स पे ना, क्योंकि तेरे डैडी जॉब पर जाते हैं, और कुकिंग तो कुछ कुछ लोगों की हॉबी भी होती है, पर यहाँ पर तो यामिनी आंटी शूट पर जाती है और दक्कू अंकल घर का काम करते हैं। ब्रो कुछ वियर्ड नहीं लगता? ब्रो एक सेकंड आया। पापा को दिखाऊंगा। नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना कि बैंक बैलेंस देखो, अमेरिका का स्टैम्प देखो और शादी करो। ब्रो ये कोई बिजनेस डील थोड़ी है, इट्स अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप। इन सब बातों के बेसिस पे हाँ कैसे कर सकता है कोई शादी के लिए? मुझे ये शादी मंजूर है। ऐसे कियारा मैम का तो पता नहीं, पर मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी शादी के लिए हाँ करने में। मतलब सखी सोचना, लड़की के पास इतना पैसा हो कि मुझे जब जो चाहिए वो दिला दे, मतलब 3-4 क्रेडिट कार्ड तो ऐसे ही चलते फिरते गिफ्ट कर दे, और बोले चा सिमरन, I mean, चा गुनगुन, कर ले अपनी शॉपिंग,
और मुझे जॉब वॉब करने का तो शौक नहीं है, घर पे रहना ही अच्छा लगता है, तो कोई अच्छी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाऊं तो और भी अच्छा, इंटरनेशनल हाउसवाइफ बन जाऊंगी मैं, एक से एक खूबसूरत जगह लेके जाएगा वो हॉलीडेज पे, हाय क्या लाइफ होगी मेरी। तेरी लाइफ के लिए ये गोल सेट किए हैं तूने? लाइक रियली? नो करियर, नो इंडिपेंडेंट लाइफ? विवानी क्या कह रही है, समझाओ इसे प्लीज। बट दैट्स हर चॉइस ना साकी, उसको एटलीस्ट पता तो है कि उसको मैरिज क्यों करना है एंड शादी की लाइफ से उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दिस। व्हाट, तुम्हें भी ये सब कुछ राइट लगता है? आई मीन वाइफ के लिए ओनली मनी शुड मैटर, नो इंडिपेंडेंस? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है सखी। आई थॉट तुम खुद यूएस में रहे हो तो तुम्हारी ऐसी टिपिकल सोच नहीं होगी। एनीवेज, बट आई एम डैम श्योर कि कियारा मैम ऐसी लाइफ कभी नहीं चाहेगी। मम्मा, डैडी को जल्दी फोन लगाओ और बोलो कि कोई जरूरत नहीं है कियारा मैम को इस सब में इन्वॉल्व करने की। आई एम श्योर कि वो निक भी ना हर्षद अंकल जैसा ही होगा। कियारा मैम निक को रिजेक्ट कर ही देगी, पर वो डैडी के बारे में क्या सोचेगी, कैसा रिश्ता लेकर वो मैच मेकर बने हुए थे। तकी बेटा इतना मत सोच, हो सकता है ना कि वो निक हर्षद भाई से अलग हो। हाँ, देखते हैं क्या होगा। ओके, होगा होगा होगा, मैंने जो सोचा है वो सब कुछ होगा। मेरी सासू माँ है ना, उनकी नाक मेरे ससुराल में ऐसे ऊपर हो जाएगी और वो मुझे खुशी के मारे गले लगा लेंगी। आखिरी बार उन्होंने विद्युत के पैदा होने पर मुझे गले लगाया था। अरे मैं भी किन बातों में लग गई, मुझे तो राजेश भैया को थैंक यू बोलना है, उन्हीं की वजह से तो ये सब पॉसिबल हुआ है। क्या पॉसिबल हुआ? आप लोगों को नहीं पता, राजेश भैया कियारा को आज हमको यहाँ लेकर आ रहे हैं निक से मिलवाने। वैसे मैं सोच रही थी कि कियारा मैम अरेंज मैरिज पे बिलीव करती होगी। आई मीन उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उन्हें देख के लगता नहीं ना कि वो। अरे मैंने पहले ही बोला था कि लड़का बस अमीर होना चाहिए, सभी लड़कियों को यही चाहिए हैं। अभी अपना निक देख लो, हैं? अमेरिका में रहता है, करोड़ों का बैंक बैलेंस, खुद का अपना इतना बड़ा घर, अरे दो दो लंबी लंबी गाड़ियां है। कियारा क्यों मना करेगी, हैं? क्यों मना करेगी वो? अच्छा चल, वो सब छोड़, वरना अभी ये कियारा से तो आप मिली हो बराबर है, तो उसमें वो गुण तो है ना जिसे निक उसको पसंद करे। नहीं, जैसे मैं घर का खर्चा पानी संभालता हूँ और ज्योति मारे को संभालती है, वैसे कियारा पहले निक को संभाले और फिर ये ऑफिस ऑफिस का काम बाद में करती रही, ऐसा गुण है ना उसमें। हर्षद, कियारा तू इतनी बड़ी कंपनी की को है। को? को, सीओ। सीईओ ज्योति भाभी, कियारा सीईओ है। हाँ वही, सेम टू सेम। और हर्षद भाई, कियारा का भी अपना एक करियर है, उसका काम है, उसने बहुत मेहनत करके अपने। अरे नहीं, कभी तेरी बात कर रहे थे, 100 साल की उम्र है तेरी। हाँ अरे तू एक मिनट रुक, तू एक काम कर, वहां से राइट ले, हाँ फिर वहां से लेफ्ट ले। अच्छा चल, मैं ही आता हूँ, मैं ही आता हूँ, रुक 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 रुक, उधर ही रुक, मैं देख के आती हूँ तैयारियां हुई या नहीं। ये क्या कह रहे थे हर्षद अंकल मम्मा, कि लड़का बस अमीर होना चाहिए? मतलब अगर कल मेरी शादी हो और लड़का सुपर रिच हो पर वो मेरी रिस्पेक्ट ना करे या मेरी और उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी ना हो तो वो कुछ मैटर नहीं करता। एक्चुअली ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कियारा मैम मिलने के लिए मान कैसे गई। पता नहीं सकी, अजीब सा ही लग रहा है मुझे। I just hope कि जब कियारा है ना तो कुछ गड़बड़ ना हो, अभी से ही सोच सोच के स्ट्रेस हो रहा है मुझे। हर्षद, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि निक को कियारा के शादी के बाद जॉब करने से कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो अमेरिका में रहता है ना और वहाँ तो सब ऐसे जॉब करते हैं। कियारा अब इतनी बड़ी कंपनी संभाल रही है,
तो वहां जाकर थोड़ी ना मेरी तरह ऐसे घर पे बैठ जाएगी, है ना? ए, तू खुद भी मत बोल, नहीं ना? अमेरिका हो या इंडिया हो, निक है तो हमारी फैमिली का है। और हमारी फैमिली में रूल है ऐसा रूल, शादी के बाद तो क्या, शादी के पहले भी जॉब वॉब की परमिशन नहीं मिलती। स्कूल वूल तक ठीक है, कॉलेज वाले तक ठीक है, टाइम पास कर लो, उसके बाद चुपचाप शादी करो और अपने घर पे चले जाओ। है? अरे कल को परिवार बढ़ेगा, बच्चे बच्चे होंगे, तो क्या बच्चों को लेकर ऑफिस जाएगी? कुछ भी मत बोल तू। चलो सब छोड़, उन्हीं का आता ही होगा, तैयारी वैयारी शुरू करो, चलो जल्दी फटाफट काम पे लगो। चलो चलो उस अभद्र पुरुष हर्षद अग्रवाल ने मुझे मिसेस दक्षेश जोशी पर कहा, मुझे उस बात का दुख नहीं है यम। किसी आदमी को औरत बोल देने से उसकी इज्जत कम नहीं हो जाती, पर वो हर्षद अग्रवाल मुझे नामर्द समझता है क्योंकि मैं घर के काम करता हूं। यम हमारी संतान नहीं है, इसका कारण भी उसे यही लगता होगा कि मैं नामर्द हूं। दिल छोटा मत करो दकू, दिल छोटा मत करो, दुनिया जो कहती है उसे कहने दो, तुम मेरी नजर से देखो, मेरी नजर से देखो तुम कौन हो। भले इंसान हो इसलिए मौन हो, वरना कह सकते थे उसे हाथ में झाड़ू लेने से कोई नामर्द नहीं होता, वो खुद नामुराद है जिसे बीवी के दर्द में दर्द नहीं होता, वो खुद नामुराद है जिसे बीवी के दर्द में दर्द नहीं होता। Alright, तो ये सिंह एंड एसोसिएट्स की फाइल मैंने स्टडी कर ली है, हैरी के लिए रखता हूँ so that he can go through it. I shall leave. I'm done for the day. घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, so I need to be home. और ये गया क्यारा का फोन राजेश के बैग में। Alright. Okay, Mr. Mark. Bye. हाँ, of course, of course. हो जाएगा. क्या जरूरत थी तेरी मम्मी को तेरे चाचू की रिश्ता विश्ता लाने की? अच्छा खासा हम गेमिंग कर रहे थे। पर मुझको क्या पता? अच्छा एक बात बता, अगर कियारा आंटी ने तेरे चाचू के साथ शादी की तो हम दोनों कुछ रिश्तेदारी बनेगा? पर अगर देखा जाए कियारा आंटी हुई मेरी चाची। हाँ। और कियारा आंटी तेरे पापा की बॉस है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं बनूंगा तेरा बॉस। किसने बोला तुझे ये? खुशी ने। तू डम है क्या? तूने खुशी को तेरे चाची और कियारा आंटी की बात बता दी? और कब बताई? अभी मैसेज किया मैंने। तू खुशी का चमचा बन गया है क्या? तुम लश क्यों कर रहे है? रो तुझे पता है खुशी बोलती है कि मैं तेरा चमचा हूँ और तू बोलते है कि मैं खुशी का चमचा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका चमचा हूँ। ब्रो तू थोड़ा सावधान रहे और खुशी को बोल दे कि तू मेरा चमचा नहीं मेरा दोस्त है, चमचे और दोस्त में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है अभी बता देता हूँ। ओ हेलो, मौका मिला नहीं कि फोन करने बैठ गया, क्या हो गया तुझे? सॉरी ब्रो। विद्युत यहाँ पे हम दो फैमिली के बीच में इतना बड़ा मैटर चल रहा है और तू खुशी के पीछे पड़ा है। ब्रो तू सही बोलता है, लेकिन ब्रो तुझे सच में लगता है कि मेरी मम्मी ने जो कियारा आंटी और निक चाचू के रिश्ते की बात चलाई है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है? हाँ, तू कियारा आंटी को जानता नहीं है, वो तेरे चाचू जैसी नहीं है और ऊपर से वो इतनी भड़कू है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो सकी दीदी है ना आग में घी डालने के लिए। ब्रो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। ब्रो अगर कोई फालतू में गड़बड़ हुई ना तो तेरे पापा और मेरे पापा की लड़ाई हो जाएगी। Let's hope कि कोई गड़बड़ ना हो। I'm really sorry, Mr. Nick, for that. वो actually ज्योति भाभी ने Mr. वागले को और Mr. वागले ने मुझे सब कुछ बताया था। It's just that कि मैं काम में इतना बिजी थी and I was so tired कि शायद मुझे ही कुछ कंफ्यूजन हो गया। So, let's start. पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप? यही कि मैं खाना बना लेती हूँ या नहीं, माय बर्थ चार्ट, या फिर मेरी कुंडली में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, पूछिए ना। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मिस कियारा, बट नो,
मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ, और वैसे भी अमेरिका में ये सब कोई नहीं देखता। वहाँ की लाइफ इंडिया से काफ़ी अलग है, और वहाँ के लोग भी। यू नो, अमेरिका में सेटल होने का मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? और क्या चाहिए फिर लाइफ में? बस एक लाइफ पार्टनर हो जो मेरे साथ मेरे यूएस सोशल सर्कल में मूव कर सके। यू नो व्हाट आई मीन? आई बेसिकली जस्ट नीड एन इंटेलिजेंट 21st सेंचुरी वाइफ। जॉब करना है तो कर सकती है टाइम पास के लिए, होम मेकर रहना है तो दैट्स ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू सी, मनी इज नॉट एन इश्यू एट ऑल, द मेन थिंग इज कि मैं अमेरिका में हूं, एंड दैट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल, राइट? Mumbai, that's just crazy, man. What's so funny? इस बार तो मैंने कोई जोक भी नहीं मारा। No, ये जोक तो बिल्कुल भी नहीं था। Actually, मैं सोच रही थी कि हमारा ये अलायंस वर्कआउट हो सकता है। अरे वाह! I mean, 6 months मैं US में रहूँ with you, and later 6 months तुम यहाँ इंडिया में, या फिर तुम यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हो और यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो, या फिर घर पे भी रह सकते हो। मनी इज नॉट एन इश्यू, यू सी? यू गॉट बी किडिंग मी, राइट? नो, आई एम नॉट। अगर मैं अपने ड्रीम्स छोड़कर तुम्हारे साथ यूएस सेटल हो सकती हूँ तो तुम भी वही मेरे लिए क्यों नहीं कर सकते? How is that possible? I mean, अमेरिका से बड़ी क्या ड्रीम हो सकती है किसी के लिए? देखिए, कियारा, देखो ऐसा है कि ये सब बातें ना ऐसे भाषण वाषण में ठीक लगती है, लेकिन असल जिंदगी में हमारी फैमिली में ऐसा होता नहीं है। हाँ, क्या कहते हो? सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस तो लड़की को ही करनी पड़ती है ना। मतलब लड़का शादी करके काम धंधा छोड़कर घर पे बैठ जाए, क्यों? क्योंकि लड़की को काम करना है, नौकरी करनी है। ऐसा कभी होता है? देखा है किधर? असली जिंदगी में ऐसा होता है? दिस इज द प्रॉब्लम। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही वुमेन सफर अ लॉट इन आवर सोसाइटी। वाइफ के नाम पर या तो नौकर चाहिए या फिर ट्रॉफी वाइफ। और एक बात, अमेरिका में ऐसा क्या है जो हमारे इंडिया में नहीं है? मैं खुद अमेरिका में पढ़ने के बाद इंडिया में अपने डैड का बिजनेस संभालने आई हूं। टाइम हैज चेंज्ड मिस्टर निक। अब हमारे देश की लड़कियों को यूएस में जाके बसने के ड्रीम नहीं होते, क्योंकि वो जानती है कि इस देश में रहकर इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सके। और मुझे नहीं लगता कि तुम अपडेटेड हो। हमारी इंडिया में भी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज भी हैं एंड अपॉर्चुनिटीज भी। और निक, तुम अमेरिका में रहते हो, तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है कि वहां के लोग इक्वालिटी में कितना विश्वास रखते हैं? तो मैं एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मैं जानना चाहता हूं कि अगर करियर दोनों का है तो सैक्रिफाइस सिर्फ लड़की क्यों करे, है ना? आई एम जस्ट आस्किंग। कंट्री बदलने के साथ अच्छा होता तुम अपनी सोच भी बदल लेते, एंड थैंकफुली सब NRI तुम्हारी तरह नहीं सोचते मिस्टर निक। अगर प्रोग्रेसिव कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उनके एक्शंस और सोच प्रोग्रेसिव रखते हैं। एंड गेस व्हाट, दिस इज नॉट एन एंड। अगर कोई लड़की अपना परिवार, अपने ड्रीम्स छोड़कर तुम्हारे साथ
तुम्हारी दुनिया में बस ने आ भी जाए जी, किचन, चाय, नाश्ता, खाना पीना, बच्चों की पॉटी, उनकी स्कूलिंग, ये सब करते करते जब वो अपनी तरफ ध्यान देना बंद कर देती है, तब आप जैसे लोग क्या कहते हैं, तुम पहले जैसी नहीं रही, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना पड़ा। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है ये। मना भी आप तो कुछ बोलिए। ठीक है तो बोल रही है क्या मैम? मिस्टर निक, आई रियली थिंक यू नीड टू एक्सप्लोर कि असली अमेरिका क्या है एंड सोचो कि शादी के लिए एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी एक इंडियन लड़की से। दैट्स ऑल। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। निक, कहते हैं ना, किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है, और मुझे चाहिए मेरी गुनगुन। अभी तेरी बारी। चल, ऑल द बेस्ट, रेडी, एक्शन। मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं समझ में आता हूँ पर दिल में नहीं। अरे यार, दिल में आता हूँ समझ में नहीं, तो मैंने क्या बोला? इसका उल्टा बोला तूने। ओ सॉरी सॉरी, फिर से करते। वाह वाह वाह, ग्रुप पे मैसेज पढ़ा दक्कू भाई ने क्या लिखा है? क्या? 5 और 6 के बीच में जॉगिंग नहीं कर सकते, फूलों को छू नहीं सकते। ये प्रधानमंत्री होता तो क्या होता राजेश भाई? झलर, क्या चल क्या रहा है दुनिया में? ऐसे ऐसे रूल निकालेगा दक्कू तो दुनिया का तो दिमाग खराब होगा ही ना राजेश भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं न्यूज ऐप पे ये नोटिफिकेशन आया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिन ब दिन कोई ना कोई इश्यू होता रहता है, ये देखो। हाँ, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे न्यूज पढ़ते। वो तो है राजेश भाई, फिर गुस्सा तो आता है लेकिन डर भी लगता है, हैं? हमारे भी बच्चे हैं। गुनगुन, अभी बहुत हो गया मस्ती, अभी ठीक से कर। हाँ, 1 2 3 एक्शन। मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ पर समझ में नहीं, और हाँ, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती, सिर्फ चेकिंग ही सुनती हूँ। क्या हो गया? वो पिज्जा डिलीवरी बॉय हमारी लड़कियों को देख रहा है। किधर ध्यान, किधर है तेरा? देख किधर रहा है, चल किधर रहा है, हैं? क्या कर क्या रहा तू? सर मैं तो मैं तो क्या? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्वाइट। बाय, जो काम करने आओ ना वो करो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ। यहाँ वहाँ तांग झांक करने की जरूरत नहीं है। सर मैंने किया क्या? क्या किया? हमने दोनों ने अपनी आंखों से देखा तुम हमारी लड़कियों को ताड़ रहे थे। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है सर, मैं तो बस यूं ही अपनी निकालता हूँ तेरा यूं ही। क्या, किधर का ऑर्डर है? किधर का है ऑर्डर? विद्युत, मारे घर का है। जस्ट अ मिनट, नहीं चाहिए पिज्जा, चल लेके जा पिज्जा। भी दिखाता हूँ, रुक तेरे को और भी दिखाता हूँ। नंबर क्या है सर? फोन करने की जरूरत? चुप। हेलो, हाँ मैं साई दर्शन नाइट से अर्शद अग्रवाल बोल रहा हूँ। आप देख लो, अभी तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? अभी तक इधर ही खड़ा है, निकल इधर से। आइंदा इधर साई दर्शन नाइट सोसाइटी में ना पांव भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, समझा ना? झालर कहीं का
चल भाग इधर से। सर इसके पैसे। पैसे पैसे तू अपनी जेब से भर, समझा ना, गंदी नाली के कीड़े कहीं के आ जाते कहां कहां से मुंह उठा के। चल भाग इधर से भाग। चलो चल चल घर चल। मैंने कहा ना डैडी, कुछ भी नहीं किया था उसने। तुम्हें कुछ नहीं पता, ओके सखी? कुछ लड़कों की मेंटालिटी ही अलग होती है, ऑलराइट? यू आर राइट डैडी। हां दैट्स इट। सुनो, जब ऐसा होता है ना तो लड़कियों को पता चल जाता है, एक तरह का सिक्स सेंस होता है हमारे पास, और हमें डिफरेंस पता चल जाता है नॉर्मल गुड और बैड का। और उस लड़के का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसने। ओ हेलो हेलो बात करो, डोंट गो सखी। ये आजकल के लड़के ना ये एक नंबर के शातिर होते हैं, कहीं कुछ सेफ नहीं है। सिक्स सेंस है ये, सेवेंथ एट सेंस, ये सारे के सारे सेंस नॉनसेंस है। यू हैव टू बी केयरफुल, दैट्स इट, समझे तुम? राज सखी इज राइट, ये जो सिक्स सेंस वाली बात है ना एक्चुअली होता है, एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है हम औरतों के अंदर कि अगर कोई गलत एडवांसेस होता है ना हमारी तरफ तो हमें समझ में आ जाता है। और अगर ये बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं था तो नहीं हुआ होगा। देखो डैडी, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं और गुनगुन एक वीडियो बना रहे थे एंड इट वाज सो फनी कि हम जोर जोर से हंस भी रहे थे। वो लड़का हमारी मिमिक्री की आवाजें सुनकर हमारी तरफ देखने लगा और उसे भी हंसी आई, बस इतना ही हुआ। देखा देखा, क्या जरूरत थी जोर जोर से हंसने की? ऐसे तो किसी का भी अटेंशन अट्रैक्ट कर लोगी ना तुम लोग, अगर तुम ऐसे ही करके हंसोगी तो। क्या कह रहे हो, हाँ दोस्तों के साथ थी ना, दोस्तों के साथ हंसे बोले भी नहीं वो। बंधु हाँ, मैं मतलब मुझे अभी बहस नहीं करनी तुम लोगों के साथ, ओके? मैं जानता हूं और अच्छी तरह जानता हूं इन लवंगे लड़कों को। लफंगे? हाँ लफंगे, हाँ वही लफंगे लड़कों, इन इन लड़कों पर ना भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको कैसे पता चला कि वो लड़का लफंगा है? सुनील दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी और इस देश का सक्षम नागरिक होने के नाते मैं तो कहूंगा इस देश का, इस विश्व का चुनिंदा और अति उत्तम नागरिक होने के नाते मेरा ये सौभाग्य बनता है, मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है, मेरा ये। अबे सांस फूल जाएगी, फट जाएगा एक दिन झालर। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ब्लड चेकअप तू ही करा ले, तुझे जरूरत है कोरोना के कीटाणु कहीं के। ओ ओमिक्रॉन अग्रवाल, भाई का कहने का मतलब ये था कि ये सारा मेडिकल कैंप आपके सौजन्य से ही पॉसिबल हो पाया, तो इस मेडिकल चेकअप पे सबसे पहला हक आपका बनता है ना हर्षद भाई? साउंड साउंड, थैंक यू वंदना भाभी, थैंक यू। आपके इन शब्दों के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्षमा वन्ना भाभी क्षमा। क्या हुआ? सुनील दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं सबसे पहले चेकअप कैसे करवा सकता हूँ? ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए पहले आप लोग, आई मीन आप यस। मुझे तो हर जगह वो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं सखी। चुप कर, कोई नहीं है, मैं भी तो चेक ही कर रही हूँ ना। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनील दर्शन हाइट सोसाइटी के सभी सदस्य मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोग इस टेबल के पास आकर अपना नाम दर्ज करवाइए। चलिए आइए, लाइन में लग जाइए, आइए 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 आइए। तुझे अलग से बोलूं क्या? चल ना, चल चल चल, मारो डुक्का, चल घूमो।
बात पे क्या नोट कर रहा है? हो गया क्यों अन्ना अभी मजा आया? मस्त है हर्षद, ये लीजिए पानी पीजिए। ठीक लग रहा है ना आपको? मतलब उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा है ना? कॉफी लेके आऊं आपके लिए? हाँ। अरे भावरी, लड़का सैंपल देने गया था, कोई ब्लड डोनेट करने नहीं गया था? नहीं, फिर भी वो एक इंजेक्शन भर के खून निकाला ना तो। ओहो, ज्योति भाभी लीजिए, जल्दी कीजिए। Oh my God! क्या? हाँ। क्या? हाँ। इनके हाथ पे तो सुई है। तो पिचकारी होगी क्या धक्कू? यम, मुझे डर लग रहा है। क्यों? बचाओ! अरे, बचाओ! क्या तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? Yes bro, exactly मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रहा है। अपना टाइम आ गया bro। सर भाई, हाय गुनगुन। अच्छा हुआ तुम मुझे बाहर ही मिल गए, नहीं तो मैं अंदर आने वाला था। हेलो बेस्ट फ्रेंड, घूमने चलोगी बाइक पे मेरे साथ? इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे कौन सा मॉडल है? क्या करोगी? मारोगी? मारो। मम्मी, मम्मी, ये काम के लिए पैदा किया था मैंने तुझे? अरे मम्मी, खूब नाम रोशन कर रहा है तू हमारा, खूब नाम, खूब नाम रोशन कर रहा है। ये शिक्षा मिली तुझे? बोल। नहीं नहीं, खुश है ना तू? खुश हो गया? नहीं नहीं, तू बहुत खुश हो गया। नहीं 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 मम्मी, अब नहीं करूंगा मम्मी। भगवान, हमने क्यों नहीं मर जाते? अरे मम्मी, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी, 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 खुश हो गया? हाँ, मम्मी की बेइज्जती कर रहा है। यही चाहता था ना तू? माँ बाप की बेइज्जती हो जाए घर में, चला जा तू। अरे चले जाए। हाँ, प्लीज प्लीज संभालिए अपने आपको, संभालिए संभालिए अपने आपको, बस 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 शांत हो जाइए। इसलिए तुझे बड़ा किया था हमने कि सारी दुनिया के सामने तू तमाशा करे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे हम तो सोच भी नहीं सकते कि मैंने इसे पैदा किया है। जिसके घर में एक बहन हो वो दूसरों की लड़कियों को कैसे छेड़ सकता है? भैया, ये जो हरकत आज आपने इनके साथ करी है, कोई मेरे साथ करता तो? आपकी जो हरकत है ना, इसकी वजह से मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी। यही चाहते थे आप? बोलो, यही चाहते थे? माफ कर दे छोटी, माफ कर दे मम्मी। मम्मी, हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आप खुद को मत मारो, प्लीज रो मत। क्यों? मैं तेरी माँ हूँ इसलिए? हाँ, खुद को ना मारू। और वो लड़के, वो किसी के कुछ नहीं लगते, उसके साथ तू कुछ भी कर सकता है। सर, आप इसे जेल में डाल दीजिए। आज इस लड़की को छेड़ा है, कल कुछ भी कर सकता है। बस 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 बस, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे परेशान मत होइए आप। कैसे ना परेशान हूँ? एक लड़के की बेइज्जती होगी तो मेरी भी तो बेइज्जती होगी, एक माँ की बेइज्जती होगी, एक टीचर की बेइज्जती होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।